हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मॉल ग्रीन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप जनवरी में ऑर्नामेंटल प्लांट लेने जा रहे हैं या कोई फ्लावरिंग प्लांट लेने जा रहे हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे प्लांट्स बताऊंगी कि जिनकी शॉपिंग आप अभी मत करें। जब बसंत आ जाए मार्च में, तब आप उसकी शॉपिंग करिए, तो उस समय उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। और इस समय इनका सीज़न नहीं है, रेस्ट में रहते हैं ये सब प्लांट्स, तो आप इनकी शॉपिंग अभी मत करिए। तो सबसे पहला प्लांट है फ्रेंड्स, ये टेफनबेकिया। इस समय देखिए, इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, और देखिए एक महीने से इसमें एक भी लीफ नहीं खिली है। चाहे वो डम इसकी बड़ी वैरायटी हो या ऐसी ड्रॉप वैरायटी हो, तो आप डेफनबेकिया अभी मत लें। फिर फ्रेंड्स, ये प्लांट आता है पिंक एक्लोनीमा या लिपस्टिक एक्लोनीमा, ये दोनों ही वैरायटी। फ्रेंड्स, विंटर में इनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आप इन दोनों प्लांट्स को बिल्कुल भी ना खरीदें। जो एक्लोनीमा की फ्रेंड, जो ग्रीन लीफ की वैरायटी होती है, जैसे सिल्वर किंग या सिल्वर क्वीन, तो ये सब बहुत हार्डी होते हैं, तो वो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन इनको विंटर में बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ये लेने जा रहे हो, तो आप अभी इसको मत खरीदिएगा। फिर फ्रेंड्स, ये देखिए पोथोस है। पोथोस की जितनी भी वैरायटी है मनी प्लांट की, तो इस समय इनकी कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, और इसको भी आप अभी लेने से बचें। और एक बात यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि हम लोग नर्सरी में जाते हैं प्लांट्स लेने, और वहाँ पे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है। तो इसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे यूपी में जितने भी प्लांट्स आते हैं, तो वो सब पूना से या कलकत्ते से आते हैं, तो वहाँ का वेदर बहुत अलग होता है। साल भर वहाँ पर एक सा ही मौसम होता है, तो इसलिए वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती रहती है। तो जब भी नर्सरी में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे नर्सरी में हम लोगों को प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी दिखती है, तो सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है क्रोटॉन। क्रोटॉन में भी इस समय कोई ग्रोथ नहीं होती है। और अगर फ्रेंड्स आपको जैसे नर्सरी में जा रहे हैं और आपको वहाँ पर अच्छी ग्रोथ के कोई प्लांट्स दिख रहे हैं, क्योंकि वो सब बाहर से आए हुए होते हैं, तो आप उनकी शॉपिंग कर सकते हैं जिनमें ग्रोथ आपको दिख रही हो, जिसमें आगे ऊपर लीफ निकलती हुई दिख रही हो, तो आप उसको ख़रीदिए। लेकिन बस उसको घर लाके रिपोर्टिंग बिल्कुल मत कीजिए, उसको रिपोर्ट ना करें, क्योंकि इस समय उनका रस पीरियड होता है और वो बाहर से प्लांट आए हुए होते हैं। और इस समय ये देखिए फ्रेंड, फिलोडेंड्रॉन जेनाडो ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन हार्ट प्लांट है, तो आप इसको भी ना लें। ये देखिए फ्रेंड, ये फाइकस, ट्रायंगुलर फाइकस, देखिए इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, एक भी पत्ती नहीं निकल रही है, तो उसको भी आप अभी मत खरीदिए। और इसकी जैसे ट्रायंगल हार्ट फाइकस है ये, और एक और आता है स्टारलाइट फाइकस, तो दोनों ही कई वैरायटी होती हैं, तो दोनों में ही अभी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। मुझे ये देखिए सब झड़ जाती हैं पत्तियाँ। फिर फ्रेंड्स, ये देखिए फर्न है। फर्न में भी कोई ज़्यादा इसमें ग्रोथ होती नहीं है, और ये विंटर में बस चलता रहता है, स्लो ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात बोलूँ आपको कि आप जो भी प्लांट्स अगर वहाँ पर आपको नर्सरी में बहुत ही अच्छी कंडीशन में दिखें और आप लेके आए, तो प्लीज़ आप उनकी रिपोर्टिंग बिल्कुल मत करिएगा। मार्च तक का इंतज़ार कीजिए, तभी आप रिपोर्ट करिएगा उनको, तो आपके प्लांट मतलब अच्छे से चलेंगे। और फिर ये देखिए फ्रेंड, ये फिलोडेंड्रॉन का एरुबेसेंस है, तो इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं होती है। और ये आपका ये प्लांट है जो सिंगोनियम, तो इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो ये सब प्लांट्स लेने से आप बचें, लेकिन बस ये है कि अगर आपको नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में दिख रहे हों, तभी आप लीजिए इन सब प्लांट्स को। देखिए डेफनबेकिया मेरा कोई ग्रोथ नहीं है, और ये पर्पल हार्ट में भी
ठंड सी ठंड लग गई है इसको भी। फिर फ्रेंड्स ये जेड प्लांट है, जेड प्लांट में भी कोई इस समय ग्रोथ नहीं होती है और जैसे ही बसंत आता है वैसे ही ग्रोथ चालू हो जाती है और विंटर में बहुत ज़्यादा जब अब जाड़ा पड़ जाएगा तो ये अपनी पत्तियाँ गिराने लग जाएगा, तो इसको भी आप अभी ना लें। ये देखिए फ्रेंड ये है फ्लावरिंग प्लांट अडेनियम, इसका भी अभी सीज़न नहीं है। देखिए सब पत्तियाँ इसकी पीली होकर झड़ रही हैं और अभी जनवरी में बहुत ज़्यादा जब जाड़ा पड़ेगा तो ये पूरी पत्तियाँ अपनी गिरा देगा। तो फ्रेंड्स बस और भी जैसे प्लांट्स हैं जैसे टिकोमा बुश फ्लावरिंग प्लांट हुआ और मुसेंडा हुआ, तो ये सब प्लांट डोरमेंसी के हैं। तो फ्रेंड्स आप इन सब प्लांट्स को भी लेने से बचिए और अगर आप ख़रीदते भी हैं तो उनकी रिपोर्टिंग करने से भी बचिए, रिपोर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स ऑर्नामेंटल, जितने भी अधिकतर सभी प्लांट्स हैं जैसे क्रिसमस ट्री है तो उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स तो आप यही सब प्लांट्स हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और फिर फ्रेंड्स ये देखिए एक इजी प्लांट भी है, इसमें भी कोई ग्रोथ नहीं होती है, तो इसको भी लेने से आप बचिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, बाय।